मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह जनता के बीच लगातार नजर आ रही हैं। आज इसी कड़ी में पटना के लंगर टोरी चौराहा स्थित कल्याणी कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां जनता से आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान मांगा। वहीं लोगों से कहा कि यदि मेयर पद पर जीत हासिल करती हैं तो किए गए सारे वादों को पूरा करेंगी। विनीता बिट्टू सिंह ने कहा कि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम के जितने भी कार्य उसके अंतर्गत आते हैं उस पर अमल कर स्वच्छ पटना का निर्माण करेंगी। हालांकि मेयर पद के इस प्रतिस्पर्धा में कई दावेदार हैं जो अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में इस बार में चुनाव में पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जनता के द्वारा चुना जाना तय हुआ है, जिसके लिए आगामी 20 अक्टूबर को मेयर पद के दावेदारों का फैसला होगा। पुरानी बातों को नहीं बोलना चाहता कि वो उन्होंने क्या किया नहीं किया, उससे हमको क्या लेना देना। जब हम आते हैं और जनता मेरा चुनाव करती है तो मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी वो हम सभी को बताते हैं और उससे हमको कुछ लेना देना। हम अपने शहर को किस तरह स्वच्छ स्वस्थ बनाएंगे और किस तरह प्रदूषण मुक्त करेंगे और किस तरह विकास की राह पर ले जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपका और युवाओं के लिए क्या कुछ एजेंडा रहेगा? देखिए, बदलाव बदलाव तो जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो वो खुद ब खुद आपको बदलाव दिखने लगेगा। और एजेंडा जो है तो वो तो स्वस्थ पटना, विकास की ओर बढ़ता हुआ पटना और पिंक टॉयलेट, ये मेरी प्राथमिकता है। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए हर कोई बोल रहा है, जितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि विनीता बिट्टू सिंह अन्य प्रतिनिधियों से बेहतर कैसे है। देखिए, हर आदमी की जो आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, मकान, नली गली, अपने आस पास सफाई, तो बस इसको हम पूरा करके हम यही सोचते हैं कि हम सबकी और वार्ड वार्ड के लोगों की वार्ड की उन्नति के लिए कार्य करके हमको लगता है कि वार्ड क्लिनिक हम खोलेंगे, नगर निगम के अंतर्गत स्कूल खोलेंगे, कचरों का प्रबंधन करेंगे और शौचालय का निर्माण करेंगे, जितने हरियाली लाएंगे और वेंडिंग जोन बनाकर हम महिलाओं के लिए भी आरक्षित करेंगे उसमें जगह। तो इस तरह हमको लगता है कि हम सबसे बेहतर है और जनता सब जानती है और इस बार भी नहीं आशीर्वाद देंगी, बहुत लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, स्वागत पूरा करेंगे। देखिए, अभी हम लोग 740 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं, पूरे पद यात्रा हम लोग का हुआ है और हर वार्ड में हम लोग घूमे हैं और हर वार्ड की क्या जरूरतें हैं वो हम लोग भली भांति अब जान गए हैं। तो इससे हमको दूसरे से कोई सरोकार नहीं है कि वो दूसरे क्या किए और क्या चाहते हैं और हम उनसे मतलब अपने को कम्पीट करने का कोशिश करें। हम जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे ही, आप लोग अगर मौका दें तो हम जरूर करेंगे और इसमें हमको किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
विनीता सिंह जी, आपने अभी जब सभा को संबोधित कर रही थी तो आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल आप खुलवाएंगे। नहीं।